आज हम बनाएंगे अंजीर बर्फी। बाहर हलवाई लोग जिस तरह से अंजीर बर्फी बनाते हैं उसी तरह से हम ये बर्फी घर पर बनाएंगे। ये बर्फी का टेक्सचर भी बाहर हलवाई जैसा ही बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अंजीर बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम अंजीर लिए हैं और 100 ग्राम चीनी ली है। बहुत ही सिंपल मेजरमेंट है, जितने अंजीर लेने हैं उतनी ही मात्रा में हमें चीनी यानी कि शुगर लेनी है। अंजीर को पानी से पहले हम साफ कर लेंगे और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इस तरह से पहले मैं सभी अंजीर को कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर फुल फैट दूध लिया है। फुल फैट दूध यानी कि जिस दूध को हमने गर्म नहीं किया है, जिसके अंदर से मलाई हमने नहीं निकाली है, वो वाला दूध। इतनी क्वांटिटी में से हमारी 400 से 450 ग्राम के करीब बर्फी बनकर तैयार होगी। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप दूध की क्वांटिटी को डबल कर दें या फिर ट्रिपल कर दें और सारा मेजरमेंट उस हिसाब से आप रखें। अंजीर मैंने कट कर लिए थे इस तरह से, तो उसे हम दूध में ही डाल देंगे। दूध को हम पहले 5 मिनट हल्का सा गर्म होने देंगे और बाद में अंजीर डालेंगे। अंजीर डालने से क्या होगा कि अंजीर दूध के साथ पककर बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और उससे बर्फी में हमें जो दानेदार टेक्सचर चाहिए वो भी आ जाएगा। दानेदार टेक्सचर बनाने के लिए हमें अलग से फिटकरी या कोई भी खटाई डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बर्फी बनने में 20 से 25 मिनट का ही समय लगता है। 20 से 25 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो मार्केट में जो बर्फी मिलती है उससे आधे दाम में बनकर तैयार होगी। और आप इसे घर पर बना रहे हैं तो आपको पता भी होगा कि आपने क्या-क्या चीजें इसके अंदर मिलाई है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे। अभी दूध को उबालते हुए मुझे 10 से 12 मिनट का समय लगा है। अंजीर हमारे दूध के अंदर उबल कर नरम भी होने लगे हैं। जैसे जैसे हमारा दूध उबलता जाएगा, कंसिस्टेंसी धीरे धीरे से गाढ़ी होने लगेगी। जब भी आप ये बर्फी घर पर बनाए तो भारी तले वाली कढ़ाई का या फिर नॉनस्टिक का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने स्टील की कढ़ाई ली है, लेकिन वो बहुत ही भारी तले वाली है। इस तरह का जब टेक्सचर आ जाए तब गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। थोड़ी देर में ये इस तरह से बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि नीचे से भी ये पैन को यानी कि कढ़ाई को छोड़ने लगा है। अब यहाँ पर मैं चुटकी भर इसके अंदर खाने वाला जो पिंक कलर होता है वो मिला रही हूँ। ये डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम बाहर हलवाई जैसी बर्फी घर पर बना रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा हल्का कलर इसके अंदर मिला दिया है। जब भी आप कोई खाने की चीज़ के अंदर कलर डालें तो पहले हल्का ही डालें, ज़रूरत पड़ने पर फिर से डालें। अगर आप पहले से ही ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो हो सकता है कि कलर बहुत ही गहरा हो जाए। मुझे अभी कलर कम लग रहा है तो मैंने चुटकी भर कलर और डाला है। ये पाउडर फूड कलर है और मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास जेल फूड कलर या फिर पानी वाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसे हम मोल्ड में निकालेंगे। गैस मैंने बंद कर दिया था, मोल्ड को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। स्पैचुला से हम उसका लेवल कर देंगे। चाहे तो आप कोई कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मोल्ड के अंदर उसे हम लेवल के अंदर फैला देंगे। आप देख सकते हैं कि बर्फी का कलर कितना बढ़िया आया है। एक से दो बार टैप कर लेंगे। 1 से 2 घंटे के बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब इसके ऊपर हम चांदी के वर्क लगाएंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। चांदी के वर्क लगाना टोटली ऑप्शनल है। वर्क को हम कागज से इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। अब इसे हम 4 से 5 घंटा और ठंडा करेंगे ताकि इसके अच्छी तरह से पीस बनकर तैयार हो। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं इसे बाहरी रूम टेम्परेचर पर रख रही हूँ। 4 से 5 घंटे के अंदर अच्छी तरह से हमारी जो बर्फी है वो जमकर सेट हो जाएगी। अभी 6 घंटे हो चुके हैं। बर्फी को हम कट कर लेते हैं। आपको बड़े या छोटे जैसे टुकड़े चाहिए उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। अभी मैं एक बर्फी आपको निकाल कर बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बर्फी जो है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है और बाहर जो हलवाई वाला दानेदार टेक्सचर है वो अभी हमारी बर्फी में आ चुका है। तो एक बार आप ये बर्फी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।